एक जंगल में बहुत से पंछी रहते थे, उन्हीं में से एक थी मोनी चिड़िया। मोनी चिड़िया की शादी कलवा कौवा से हुई थी, पर कलवा कौवा बहुत गरीब था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चुनमुन चिड़िया था। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए गुब्बारा बेचा करती थी। कलवा कौवा रोज़ सवेरे गुब्बारा बेचने निकल जाता और शाम को वापस घर आता। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन देखो मोनी चिड़िया, मैं आज गुब्बारा बेचने जा रहा हूँ, पर आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ। आज मैं दूसरी जगह जाऊँगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा कमाई होगी। क्यों जी, आज दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं गुब्बारा बेचने? रोज़ इतनी तो बिकाई हो जाती है कि हम लोग अपना घर चला सकें, फिर आज दूसरी जगह क्यों? नहीं मोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ऊपर वाले की दया से इतनी तो बिकाई हो जाती है कि हम लोग अपना घर चला लें। लेकिन केवल घर चलाने से थोड़ी होगा, हमारी एक बेटी भी है, इसकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी तो पैसे जुटाने होंगे। इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि दूसरी जगह जाऊँ। इतना कह के वह गुब्बारा बेचने के लिए निकल जाता है। वह दूसरे जंगल गुब्बारा बेचने जा ही रहा होता है कि तभी उसे धूप के कारण चक्कर आता है और वह नदी में गिर जाता है। वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। शाम होने लगता है, कलवा कौवा नहीं आता है। कलवा कौवा जब नहीं आता है तो मोनी चिड़िया को चिंता होती है और वह रोने लगती है। फिर वह थोड़े देर इंतज़ार करने के बाद वह कलवा कौवा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह उसे बहुत ढूंढती है पर कलवा कौवा कहीं नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ देर बाद रात हो जाती है। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं पर कलवा कौवा को पता नहीं चलता है। कई दिनों तक कलवा कौवा जब घर नहीं आता है तो मोनी चिड़िया समझ जाती है कि कलवा कौवा अभी दुनिया में नहीं रहा। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खुद ही गुब्बारा बेचना शुरू कर देती है। बेटी, मैं गुब्बारा बेचने दूसरे जंगल जा रही हूँ, तू मुझे आने में लेट भी हो सकती है। मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खाना, खा के आराम से सो जाना, ठीक? और बदमाशी मत करना, इधर उधर कहीं घूमने मत जाना। इस तरह वह अपनी बेटी को समझा के गुब्बारा बेचने के लिए निकल जाती है। मोनी चिड़िया गुब्बारा बेच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक उड़ते हुए एक पंछी आती है और तेज धूप होने के कारण वह चक्कर खा के गिर जाती है। मोनी चिड़िया तुरंत उसकी मदद करती है। वह उसे तुरंत उठा के अपने नज़दीकी अस्पताल में लेके जाती है और वहाँ पे भर्ती करा के इलाज कराती है। इलाज होने के कुछ ही देर के बाद उस चिड़िया को होश आ जाता है। होश आने पर वह पूछती है, कौन हो तुम बहन और क्या करती हो? तुमने आज मेरी जान बचाई है, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं वहीं धूप में तड़प तड़प के मर जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, और अपने बारे में कुछ बताओ। जी, मेरा नाम मोनी चिड़िया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसे में मेरे पति गायब हो गए हैं। अब मैं उनका कारोबार चलाती हूँ, वह गुब्बारा बेचते थे, अब मैं गुब्बारा बेचती हूँ। आज मुझे घर जाने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, मेरी बेटी भूखी होगी, मुझे आज गुब्बारा भी नहीं बिका है। आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आज पैसे ही नहीं है कि मैं घर जाके खाना बनाऊँ। कोई बात नहीं मोनी चिड़िया, तुम चिंता क्यों करती हो? तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। यह सब सारे पैसे रख लो और तुम जाओ, जाके अपनी बेटी की शादी करो। और भी पैसे की ज़रूरत हो तो कभी भी मेरे आ जाना। पिछले वाले जंगल में हम लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है। हम लोग उस जंगल के सबसे अमीर आदमी में से एक हैं। इस तरह मोनी चिड़िया को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वह खुशी से रहने लगती है। लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप रोज देख सकें।